भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का गाना महादेव का दीवाना ये तोड़ देगा पवन सिंह के सारे गानों का रिकॉर्ड। जी हाँ, यहाँ हम पवन सिंह के कॉम्पिटिटर खेसारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ के गानों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पवन का ही गाना पवन के ही गाने का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मीठा मीठा बात है कमरिया 2 महीने में 60 मिलियन व्यूज हासिल किया है, वहीं 1 हफ्ते में महादेव का दीवाना ने 20 मिलियन व्यूज हासिल किया, यानी इसे अब तक 2 करोड़ लोगों ने देख लिया है। अब आपको ये बता दें कि इसी तरह अगर ये गाना सभी को पसंद आता रहा तो ये गाना 1 महीने में 80 मिलियन पहुंच जाएगा और ये गाना तोड़ देगा मीठा मीठा बात है कमरिया का रिकॉर्ड। वैसे ये बहुत ताज्जुब की बात है कि पवन के गाने एक रिकॉर्ड बनाते हैं और पवन का दूसरा गाना ही उस रिकॉर्ड को तोड़ देता है। साथ ही साथ अगर ये गाना 80 मिलियन व्यूज़ पे पहुंचता है तो ये गाना तोड़ेगा छलकत बा हमरी जवनिया और राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया का भी रिकॉर्ड। जी हाँ, इन गानों ने 1 हफ्ते में इतना बड़ा व्यूज़ क्रिएट नहीं किया था जितना बड़ा व्यूज़ क्रिएट महादेव का दीवाना ने किया है। जी हाँ, सभी के गाने एक तरफ, पवन का एक गाना सभी पे भारी पड़ रहा है। पवन का ये गाना खेसारी पर, अक्षरा सिंह के गानों पर, साथ ही साथ रितेश पांडे के गानों पर भी भारी पड़ रहा है। आप अदर स्टार्स के व्यूज उठाकर देख लीजिए और खुद पवन सिंह का सिर्फ इस गाने का रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे, ऐसे लगता है कि पूरे मूड में पवन सिंह ने इस गाने को गाया है और अखिलेश कश्यप ने लिखा है। साथ ही हमने आपको कल ही अपने एक वीडियो में बताया था कि पवन सिंह का राजस्थानी घाघरा गाना बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आने वाला है और उसी के साथ एक और बहुत ही सूदिंग नंबर आएगा और राजस्थानी गाना पार्टी टाइप गाना होगा जैसे कि लॉलीपॉप लाइन है। आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टोरी को लाइक कर दीजिए।